बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिनों लालू परिवार पर ईडी की छापेमारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पटना में कहा कि मैं इस तरह के छापों से झुकने वाला नहीं हूं। इस तरह के छापों से ये तो तय हो गया कि बीजेपी में लड़ने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी का बिहार में कोई राजनीतिक जमीन, चेहरा और वोट नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार बनी उस दिन भी छापे पड़े थे, क्रोनोलॉजी समझिए। जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं, वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की जरूरत है। जिस दिन सरकार बनी, ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1,00,000 करोड़, या 2017 चलिए 8,000 करोड़ बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच संस्थाने लग गई। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहाँ गया वो संपत्ति, कहाँ गए वो 1,000 करोड़ों? कौन लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण देता था फिर, मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हो या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, उस दिन भी छापे पड़े थे। ऐसे में आपको क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। जिस दिन विधानसभा में ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 करोड़, 1,000 करोड़, मैं आपको 2017 लेकर चलता हूँ। उस दौरान तो कहा गया था कि हमारे परिवार के पास 1,000 करोड़ बेनामी संपत्ति और ना जाने क्या क्या मिला है। उस मामले में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ने जांच की। आज 2023 है, यानी 6 साल बीत चुके हैं। अब बताइए बीते 6 साल में क्या हुआ इन संपत्तियों का। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बीजेपी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी इनके डायरेक्टर या जो भी इनका स्क्रिप्ट राइटर होगा, उसे अब बदल देना चाहिए, क्योंकि अब एक ही बात बार बार की जाए वो सही नहीं लगता। इस बार फिर से वही 600 करोड़ तेजस्वी घर से खजाना। मैं तो कहता हूँ ठेंगा मिला फिर इनको, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं, बल्कि रियल पब्लिक साइंस वाले समाजवादी लोग हैं। भाजपाइयों के झूठ, अफवाह और फर्जी राजनीतिक मुकदमों से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास राजनीतिक जमीन भी है, जिगर भी है और जमीर भी है। आपके पास छल बल और धनबल है तो हमारे पास जनबल है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने बीते दिनों 24 लोकेशन पर छापेमारी की। इन तमाम जगहों से एजेंसियों को उतना भी नहीं मिला जितना करोड़ों अनअकाउंटेड कैश इनके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर से मिला था। कर्नाटक में भाजपा एमएलए के घर से 8 करोड़ मिले। क्या आईटी, सीबीआई, ईडी वहां भी पहुंची? नहीं ना। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी मंगलसूत्र, कंगन, कानों के आभूषण और हाथ में अंगूठी नहीं पहनती? मेरी जिन बहनों के घर छापेमारी हुई, उनका हमारी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनकी शादी आज से 12-15 वर्षों पहले हुई है। उनके घरों में प्रयोग किए गए आभूषणों की फोटो खींच ये लोग मीडिया को दे रहे हैं। अपनी माँ, बहनों और बेटियों के साथ भी ये लोग ऐसा ही करते हैं क्या? लोकतंत्र में इन लोगों ने कोई लोक लाज नहीं छोड़ा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।